कि जिस प्रकार राम मंदिर आंदोलन उग्र हुआ, आक्रामक हुआ, तो हम आदिवासियों के लिए मारंग बुरु राम मंदिर से कम नहीं है। तो जिस प्रकार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, हम आदिवासी भी लाखों सेंगेल सेना लेकर पारसनाथ पहाड़ जाएंगे और जैन के मंदिरों को भी ध्वस्त करेंगे। तो 2023 में हम लोग को सरना धर्म कोड चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है बीजेपी के लिए, सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। और इस जेएमएम पार्टी ने डोमिसाइल के नाम से केवल 32 का झुनझुना थमाया, जो कभी लागू नहीं हो सकता है। झारखंड के गिरिडीह जिला में जो पारसनाथ पहाड़ है, वो पहाड़ अब आदिवासियों के जी का जंजाल बना हुआ है, इसलिए कि 5 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिख के भारत सरकार को दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ केवल जैन धर्म वालों का है, जबकि पारसनाथ पहाड़ को हम आदिवासी लोग मारंग बुरु बोलते हैं, अर्थात वो हमारा ईश्वर है। और जब हमारा ईश्वर को ही बेच दिया और हमारा सरना धर्म को ही अपमानित कर दिया, हमारी आदिवासियों की धार्मिक आस्था विश्वास पर चोट कर दिया, तो हम लोग झारखंड सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चालू रखे हैं। मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा 17 जनवरी से अभी 22वां दिन है, और 11 फरवरी 2023 को हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम 5 प्रदेशों में एक दिन सुबह से शाम रेल रोड चक्का जाम करेंगे। पूरा पूर्वी भारत पैरालाइज हो जाएगा। इसके बाद यदि भारत सरकार, झारखंड सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हमारे मारंग बुरु बचाओ वापस करो, सरना धर्म कोड लागू करो पर सकारात्मक फैसला नहीं लेंगे, तो 11 अप्रैल 2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करेंगे। उसके बाद 30 जून 2023 को हम लोग संताल विद्रोह अंग्रेजों के साथ हुआ था, वैसा ही विद्रोह का घोषणा इसी मोराबादी मैदान में लाखों लोग जुटकर करेंगे। दूसरा हमारा घोषणा है कि जिस प्रकार राम मंदिर आंदोलन उग्र हुआ, आक्रामक हुआ, तो हम आदिवासियों के लिए मारंग बुरु राम मंदिर से कम नहीं है, सिखों के स्वर्ण मंदिर से भी कम नहीं है, और मुसलमानों के मक्का मदीना या ईसाइयों के वाटिकन सिटी से भी कम नहीं है। हम आदिवासियों के लिए राम मंदिर से कमतर मारंग बुरु नहीं है। यदि भारत सरकार की संस्थानें हम आदिवासियों को सम्मान के साथ मारंग बुरु वापस नहीं करेगा, 2023 में सरना धर्म कोड लागू नहीं करेगा, तो हम भी आक्रामक हो सकते हैं, होने के लिए मजबूर होंगे। तो जिस प्रकार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, हम आदिवासी भी लाखों सेंगेल सेना लेकर पारसनाथ पहाड़ जाएंगे और जैन के मंदिरों को भी ध्वस्त करेंगे। क्योंकि हमारे ईश्वर को ध्वस्त करोगे, हमारे धर्म को ध्वस्त करोगे, हमारी धार्मिक मान सम्मान आस्था विश्वास को ध्वस्त करोगे, तो झारखंड हम आदिवासियों का राज है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है, यही हमारा ईश्वर मारा जाएगा, धर्म मारा जाएगा, आस्था विश्वास पर चोट होगा। तो हमको एक मजबूरी की स्थिति में, मरता क्या ना करता वाली स्थिति में हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि हमारी अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी की रक्षा हमको करना है। पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया था, अभी भी करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है कि झारखंड बने 22 साल हो गया, अनेक पार्टियों को मौका मिले सरकार बनाने का, लेकिन ना स्थानीय नीति बना, ना आरक्षण नीति बना, ना नियोजन नीति बना। अभी आज के पेपर स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट दीपक प्रकाश ने कहा है कि ये जेएमएम की सरकार जल्दी नया एक नियोजन नीति बनाओ, लेकिन इससे ये पुष्ट होता है कि जेएमएम तो नियोजन नीति नहीं बना सकती, हमको डाउट है, क्योंकि उसका स्थानीय नीति भी फुस हो गया, नियोजन नीति भी फुस हो गया। तो ऐसी स्थिति में बाकी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आजसू या जो भी पार्टियां हैं, उनको कोई प्ररूप लाकर आना चाहिए, तभी तो लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रखंडवार नियोजन नीति का प्ररूप हम लोगों ने बनाया है। इसको हमने 23 अगस्त 2013 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया था, पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे। आज मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ,
सुना, आज कैबिनेट का बैठक भी है, उन लोग सुने मीडिया के मार्फत, इस पर विचार करें। झारखंड सरकार के पास जितनी सरकारी नौकरियां हैं या गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को देना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना देना चाहिए। प्रखंड के कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरना चाहिए और उस प्रखंड में जो जातियों के आबादी का अनुपात है ST SC OBC आदि का, उस हिसाब से उसको बांट देना चाहिए। तो 2-3 महीनों में ये जो बबेला है, बखेड़ा है, इसका समाधान निकल जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, कोई दूसरा चीज़ ले आएंगे तो फिर कोर्ट में वो फुस हो जाएगा या वो सेंट्रलाइज होगा नौकरी बांटना, तो फिर घूसखोरी भ्रष्टाचारी होगा, फिर उसका भी पेंडिंग चलता रहेगा। और अंतिम बात, झारखंड में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन कोई भी आदिवासी एजेंडा के लिए बात नहीं करता है। इसी कारण से हम लोग आदिवासी संगल अभियान, आदिवासी एजेंडा के लिए काम करने को मजबूर है। अन्यथा बाकी पार्टी भी बात रखते कि मरंग मुरु बचाओ, सरना धर्म कोड लागू करो, CNT SPT कानून लागू करो, 5वीं अनुसूची पेशा कानून लागू करो, विकास के नाम से नाहक विस्थापन पलायन बंद करो, ये सब कुछ कोई पार्टी नहीं कहती है। और इस मामले पर हम अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहे हैं कि 75 सालों के बाद पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है और नरेंद्र मोदी जी ने उनको बनाया है, तो 2023 में हम लोग को सरना धर्म कोड चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है BJP के लिए, सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। चूँकि JMM पार्टी कहती है हम आदिवासी पार्टी हैं, लेकिन आदिवासियों का जमीन छीनती है। तालझारी जो गांव है गोड्डा जिले में, लालमटिया थाना में, थोड़ा सा मैं उसका बात बोलना चाहता हूँ। 19 जनवरी 2023 को बुलडोजर लेके, टीयर गैस लगा के, 144 लेके, लाठी डंडा से गांव के लोगों को मार के भगाया, पूरा गांव का जमीन ले लिया, जो जमीन गाँव वालों ने अभी तक नहीं दिया है। और जब वहाँ के लोगों के साथ 23 जनवरी 2023 को हम लोग मिलने गए तो हजारों लोग गांव घर से दूर एक मैदान में बैठे रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा आपका MLA कौन है, तो उन्होंने बताया हमारा MLA JMM का लोबिन सोरेन है, उसको हम लोबिन हेम्ब्रोम है, उसको हम लोगों ने बताया सब कुछ, बोला हम कुछ नहीं कर सकते। हमने पूछा आपका MP कौन है, तो उन लोगों ने बताया विजय आनंद JMM का, उसको भी जानकारी है, वो भी कुछ विजय हंसता सॉरी। और उसके बाद हमने बोला मुख्यमंत्री को बताया, उसको भी बताया, वो तो आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो कहने का मतलब है JMM पार्टी एक तरफ कहती है हम आदिवासी पार्टी हैं और आदिवासी का जमीन लूटती है, JMM का MLA है वहाँ, JMM का MP है, JMM का आदिवासी मुख्यमंत्री है। और इस JMM पार्टी ने डोमिसाइल के नाम से केवल 32 का झुनझुना थमाया जो कभी लागू नहीं हो सकता है। नियोजन नीति के मामला में भी हाईकोर्ट में फुस हो गया। तो अभी भी हमारा यही कहना है, BJP पार्टी को हम समर्थन देना चाहते हैं, क्योंकि JMM और उसके साथ जुड़े हुए कांग्रेस, लालू पार्टी आदि 3 वर्षों में दिखा दिया ये आदिवासी के भी नहीं है, मूलवासी के भी नहीं है, संविधान कानून को भी नहीं मानते हैं। तो विकल्प हमारा क्या है? हम तो एक गैर राजनीतिक संस्थान है आदिवासी संगल अभियान, तो हमको माननीय द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। और BJP पार्टी को भी झारखंड में हम यही संदेश देना चाहेंगे, आप लोग आदिवासी एजेंडा को लेकर आगे बढ़ो, आप आदिवासी के मूल मुद्दों को लेकर बोलो, तभी आप शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और JMM को परास्त कर सकते हो। हम चाहेंगे बाबूलाल मरांडी जी अगला मुख्यमंत्री बने, हम लोग खुलकर साथ देंगे, लेकिन हमको सरना धर्म कोड चाहिए, मरंग मुरु चाहिए और आदिवासियों को जो संविधान कानून में अधिकार दिए गए हैं, हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो हमको मिलना चाहिए।